एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? भाई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे नाश्ते में बड़ी झंझट है कि क्या बनाएं, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, नाश्ता तो कुछ ना कुछ चाहिए भाई सुबह से। तो बस ये रात का आटा बचा हुआ मेरे पास रखा था, तो मैंने सोचा ना इसका पान जो बनाते हैं पास्ता, बाजार से आप लोग पास्ता ला के बनाते हैं ना। ये देखिए मैंने सब्जियाँ काट के रखी है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। पति पति रोटी बेल के इसको पानी चढ़ा दिए मैंने कढ़ाई में। पानी खोल गया तो इसमें इसको डाल देंगे। अच्छा ये बहुत अति बहुत बेहतरीन टेस्टी बढ़िया नाश्ता बना के तैयार करते हैं। बाजार से तो अच्छा है, घर में ही बना लो बढ़िया। इसको चाहे आप पास्ता कहिए, चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, इसका नाम क्या देंगे। इसको हम इसको हम क्या करेंगे, ये पानी हमारा खौल चुका है, इसको हम पानी में डाल देंगे। इसको आप पास्ता भी कह सकते हैं, कुछ भी भाई, मैं क्या बोलते कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हैं। मुझे बहरहाल बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में। हम रोज रोज नाश्ते में क्या बनाए ही तो बनाए क्या आती है, बस यही बनाते हैं। हाँ तो बोले कुछ देखिए हम ये देखिए ये पक चुके हैं ना, तो इसको हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। तो आधे घंटे के लिए इसको ठंडे होने के लिए रख देंगे। ये देखिए एक एक करके निकाल लेंगे। इसके बाद हल्का से इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इनको ऐसे हमने कट कर लिया है। इसके बाद हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, घी में डाल करके। घी होती है कुछ भी डाल सकते हैं आप। और ये देखिए सब्जियां मैंने काट के रखी है, प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, गाजर है। तो इस नाश्ते को आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और हेल्दी को हेल्दी होता है, नुकसान नहीं, इसको कोई भी खा सकता है। बच्चे तो खाएंगे सबसे, आपके बाजार के पास्ते तो बढ़िया ही है। घर में बनाइए, खिलाइए बच्चों को, आप खुद भी खाइए। तो बस इसको क्या करते हैं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत से लोग नहीं भी करते हैं फ्राई, लेकिन मैं हल्का सा कर दे रही हूँ, जिससे कि कहीं हमारे यहाँ से लोग खुद अच्छा ना खाएँ, इसलिए बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ इसको हम ऐसे फ्राई करते हैं। बस इनको जरा सा फ्राई करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल साफ हो जाए तो टूटने का डर रहता है। इसको वैसे निकाल लेते हैं हम, पक जाएगा। इसको मैंने फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना है, इसे भी सब्जियाँ पक जाएँ। इसमें हल्की सी हींग डाल देंगे, इसकी खुशबू बड़ी आती है, हींग की खुशबू अच्छी लगती है। देखिए इस प्याज को हम डाल देंगे हल्का सा, देख
सब्जियाँ हैं कि आप कोई भी सब्जी इसमें और भी सब्जियाँ आप ऐड कर सकते हैं। बीन्स डाल दीजिए, अगर आपके पास मटर हो खुले मटर डाल दीजिए, अगर सीजन में आए उसको डाल सब्जी या मिट्टी ऐसी डालें ना उसमें। मेरे पास स्वादिष्ट जितना भी चाहिए था मेरे ख्याल से बना रहे हैं। आप तो कोई भी सब्जी किसी प्रकार की सब्जी डाल सकते हैं इसमें और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए। देखिए प्याज हल्की सी हो गई ब्राउन, जरा बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है। इसके बाद हम सारी सब्जियाँ डाल देंगे इसमें, जैसे टमाटर डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दिया, गाजर डाल दिया। अब इसको हम ढक करके 10 मिनट, बहुत ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं है, हल्के पर भी इसको। अब इसमें सारे मसाले हम डाल देंगे जैसे बढ़िया लगेगी, जिस सब्जियाँ और पड़ जाएंगी तो और देखने में अच्छी लगती लगेगा देखने में। देखने में क्या डाल देंगे, हल्की सी धनिया डाल दिया, उसे चिकन की मसाला डाल दिया, आपके पास चाट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। हल्दी डाल दिया ऐसा था, थोड़ा सा कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च हम डाल देंगे इसमें। हम ढक देते हैं, हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक ना इसलिए भी हमने डाला है, ऑलरेडी पहले पड़ा हुआ है। बस इतना नमक डाल देंगे जिससे तेज ना हो। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको भी। हाँ थोड़ा खड़ी खड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, फ्राई भी तो करेंगे तो एकदम भरता हो जाएगा इसको। तो ये देखिए सब्जी में हमारी हल्की हल्की पक चुकी है, तो उसको ये नूडल्स जो हमने तैयार किए हैं इसको उसमें डाल देंगे। ये देखिए अब इसमें हम हल्का सा ये अजनो मोटो मेरे पास रखा था, इसको हल्का सा डाल देंगे, इससे ना फ्लेवर बढ़िया आता है। अब इसमें हम डालेंगे ये रेड चिली केचप थोड़ी डाल देंगे। इसके बाद केचप डाल देंगे, इसके बाद हल्की सी क्या है ग्रीन चिली है ना, ग्रीन चिली हल्की सी डाल देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे हल्का सा ये सोया सॉस, इसको डालकर और इसको हम चला देते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बन के तैयार हुआ है, और मैं कह रही हूँ आप इसकी ज़रूर ट्राई करिए, तो बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या बताइए, सब सारी हेल्दी चीज़ें हैं इसमें, सब्जियाँ अगर इसमें सब्जियाँ और मिल जाए तो और भी टेस्टी, इसका टेस्ट बढ़ जाए। ये देखिए तो ये देखिए हमारा नाश्ता बढ़िया बन के तैयार हो गया, बिल्कुल फसला है। जिसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, तब हम उसको सर्व करते हैं प्लेट में। गैस को हमने बंद कर दिया, ये देखिए इतना बढ़िया नाश्ता बन के, और इसको आप भी ट्राई करिएगा। अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करिएगा। चलते हैं, मिलते हैं, ओके बाय बाय।